अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8 शवाल इन्हदाम जन्नतुल बकिया के मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम को ताज़ियत व तसलियत पेश करता हूँ और हुकूमत सऊदीया से मुतालबा करता हूँ कि जन्नतुल बकिया की जल्द अज जल्द तामीर नौ कराए। बकी के मानी क्या है? बकी के मानी है एक ऐसी सरजमीन की जहाँ बहुत सारे दरख्त मौजूद हों, यानी एक ऐसा बाग जो दरख्तों से भरा हुआ हो। जन्नतुल बकिया से तमाम आलम इस्लाम की एक दिली वाबस्तगी है, एक जज्बाती लगाव है। चूँकि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में फरमाया है कि जन्नतुल बकी से रोज़े क़यामत तकरीबन 70,000 नफ़र उठाए जाएंगे जिनके चेहरे 14वीं चाँद के तरह से रोशन और दरख्शां होंगे, और ये तमाम के तमाम अफराद बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जन्नतुल बकी हमारे लिए क्यों अजीम है, इसकी अजमत क्यों है, इसका मर्तबा क्यों है, आखिर क्या वजह है? तो जन्नतुल बकी में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो तदफीन हुई थी वो पैगंबर इस्लाम के सहाबी हज़रत उस्मान इबन मज़ऊन थे। जनाब उस्मान इब्न मज़ऊन सबसे पहले इसमें दफन किए गए और उनके बाद बहुत सारे असहाब अंसार इसमें दफन किए गए। लेकिन इसकी जो खसूसी अजमत है वो इसलिए है कि इसी कब्रस्तान में, इसी जन्नतुल बकिया में बाज़ रवायतों के एतबार से जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी इसी में दफन है। अलबत्ता कुछ अख्तलाफात ज़रूर हैं। इनके अलावा हमारे 4 अइम्मा भी इसी कब्रस्तान में दफन हैं, जिनमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत बाज़ रिवायतों में 7 सफ़र और बाज़ रिवायतों में 28 सफ़र सन 50 हिजरी बताई जाती है, वो भी इसी में मदफून हैं। इनके बाद 4th इमाम हज़रत ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी जिनकी शहादत की तारीख है, वो भी इसी जन्नतुल बकिया में दफन है। 5वें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत की तारीख 7 ज़िलहिज्जा सन 114 हिजरी है, वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। 6ठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिनकी शहादत की तारीख 25 शव्वाल सन 148 हिजरी है, वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। ये सारी हस्तियाँ जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के कब्र के सिरे पर हैं, यानी जहाँ पर जनाबे अब्बास इब्ने मुत्तलिब की कब्र है उनके सिर की तरफ, यानी उनके सर की तरफ इन चारों हमारे अइमा की कब्रें मौजूद हैं। इनके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसी कब्रस्तान में, यानी इसी जन्नतुल बकी में दुख्तराने पैगंबर की कब्रें भी हैं, जिनमें जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसुम और जनाब रुकैया की कब्रों की रवायत भी मिलती है। इसके अलावा इसमें अजवाजे पैगंबर की कब्रें भी हैं, अलबत्ता जनाब खदीजा की कब्र मक्के में है, और जिस कब्रस्तान में जनाब खदीजा की कब्र मौजूद है उस कब्रस्तान को जन्नतुल मौला कहा जाता है, वहाँ पर जनाब खदीजा दफन है। इसके साथ साथ जनाब अकील इब्न अबी तालिब, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर, इनके अलावा अगर हम देखते हैं तो जनाब इब्राहिम जो फर्जंद रसूल हैं उनकी कब्र भी इसी जन्नतुल बकिया में मौजूद है। साथ साथ जनाब आतिका और जनाब सफ़िया जो रसूलुल्लाह की फूफी थीं उनकी कब्रें भी इसी जन्नतुल बकिया में हैं। जनाब उम्मुल बनीन मादर हज़रत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम उनकी कब्र भी इसी जन्नतुल बकिया में मौजूद है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जनाब फ़ातिमा बिनत असद जो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मादर ग्रामी हैं उनकी कब्र भी इसी जन्नतुल बकिया में मौजूद है। इनके अलावा जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, यानी जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जो खलीफे सोम रहे उनकी कब्र भी इसी कब्रस्तान से मुलहक एक कब्रस्तान था वहाँ मौजूद थी, लेकिन जब जन्नतुल बकिया की तौसी की गई तो उनकी कब्र भी
इसी जन्नतुल बकिया में आ गई है। इनके अलावा बहुत सारे हमारे असहाब व अंसार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार रहे हैं, ताबईन रहे हैं, उनकी कब्रें भी इसी जन्नतुल बकिया में मौजूद है। अब आपको थोड़ा सा मैं तारीखी अतबार से बताऊं तो जितने भी मौरखीन हैं या जो बड़े बड़े सफ़रनामा निगार रहे हैं, उन्होंने भी जन्नतुल बकिया का खाका पेश किया। उन्होंने बताया है कि जन्नतुल बकिया में कितने मकबरे थे, कितने कुब्बे थे, कितने गुंबद थे। ज़्यादातर जो मौरखीन हैं, जिनमें से इब्ने बतूता, जिनमें से मोहम्मद इब्ने जुबैर, इन लोगों ने बताया कि ख़ास तौर पर जो चार अइम्मा यानी इमाम हसन, इमाम ज़ैनुलाब्दीन, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इनकी कब्रों के ऊपर खुसूसी तौर पर बड़े बड़े गुंबद मौजूद थे। साथ साथ जो दूसरी कब्रें हैं उन पर भी कुब्बे मौजूद थे। और मैं आपको बताऊं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कब्र से करीब एक छोटा सा हुजरा भी बनाया गया था, और उस छोटे से हुजरे का नाम है, उस छोटे से हुजरे का नाम था बैतुल हुज्न। और ये वही बैतुल हुज्न है या बैतुल हुज्न था कि जहाँ पर जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा अपने वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद जाकर गिरिया करती थी। मगर अफसोस कि वो सब कुछ ढा दिया गया, सब कुछ मुनहदिम कर दिया गया। लेकिन ये कैसे मुनहदिम किया गया? आखिर इसके पीछे वो कौन सी बातिल कुव्वतें थीं कि जिनकी वजह से ये सब कुछ मुनहदिम कर दिया गया? तो मैं आपको बताऊं कि 1703 ईस्वी यानी 1115 हिजरी में मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नामी नजद में एक शख्स पैदा हुआ, और उसने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पहले हम्बली जो शरीयत है या जो हम्बली नज़रिया है उसको कबूल किया, और कुछ अरसे के बाद उस नज़रिए को उसने छोड़ दिया, और फिर उसने एक अपना नज़रिया बनाया और ख़ुद अपनी जो तफसीर बिर राय होती है, तफसीर बिर राय करके बहुत सारी चीज़ों को इस्लाम में दाखिल किया, और इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें थीं उनको इस्लाम से खारिज किया। यहाँ तक कि उसके करिए के लोगों ने उसे अपने वतन से दूर भगा दिया, दरबदर कर दिया, यहाँ तक कि उसे कोई पनाह देने वाला नहीं था। उसी दौरान एक शख्स मोहम्मद बिन सऊद ने उसको पनाह दी और इस बात का मुआहदा किया कि तुम हमारी जो हुकूमत है, हमारी हुकूमत की तौसी में तुम हमारा साथ दो और हम तुम्हारे नज़रिए की तौसी में तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस्लाम को नुकसान पहुँचाते रहे, और जो मोहम्मद बिन सऊद था उसकी हुकूमत की तौसी करते रहे, और रफ्ता रफ्ता जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी वो मंजर आम पर आने लगी। और एक ऐसा वाकया पेश आया कि इन लोगों ने एक बड़े जो मुफ्ती थे उस मुफ्ती से इन्होंने फतवा मंगवाया, और उस मुफ्ती का नाम था सुलेमान इब्ने बलीद। और सुलेमान इब्ने बलीद जो था उसने दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलाम में आकर तमाम जन्नतुल बकी में मौजूद जो मकबरे थे, जो कुब्बे थे, जो गुंबद थे, उन सबको मुनहदिम करने का फतवा सादिर कर दिया। और जब वो फतवा सादिर हुआ तो जन्नतुल बकिया की तमाम कब्रों को, तमाम मकबरों को, तमाम गुंबदों को और तमाम कुब्बों को मिसमार कर दिया गया। आखिरकार फिर तमाम आलम इस्लाम में जब इस बात की खबर पहुंची, इन्हदाम जन्नतुल बकी की खबर पहुंची, तो तमाम आलम इस्लाम के लोग गम गुस्से को बर्दाश्त ना कर सके, और तमाम आलम इस्लाम गम गुस्से में आ गया और हर तरफ एहतजाज की सदा बुलंद होने लगी। यहाँ तक कि सऊदी हुकूमत से आज तक दुनिया इस्लाम ये मुतालबा कर रही है कि जल्द अज जल्द जन्नतुल बकिया की तामीर जदीद और तामीर नौ कराए, जिस तरह से वो पहले रोशन मुनव्वर थी। मगर सऊदी हुकूमत सिवाय वादे की कोई इकदाम नहीं कर रही है। मैं तमाम आलम इस्लाम से ये गुजारिश करूंगा कि जन्नतुल बकिया की तामीर जदीद और तामीर नौ के लिए दुआएं करें और सऊदी हुकूमत से इसका मुतालबा करें।